उत्तराखंड मिजोरम सीमा विवाद पर हिंसा केंद्र ने की पहल। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की आज बुलाई एक बैठक। 50 करोड़ डोज लगाने के लक्ष्य से चूकने की खबरों को केंद्र सरकार ने किया खारिज। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या बड़ी। वित्त मंत्री ने कहा जरूरी हो तो बैंक आपराधिक कार्यवाही करे। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने सड़क पर खड़ी बस को मारी जोरदार टक्कर, 18 लोगों की हुई मौत। कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल, 24 घंटे में मिले 43,654 नए केस, 640 मरीजों की हुई मौत। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र अनपरा थाना क्षेत्र के रहटा गांव के समीप मंगलवार की शाम को तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारते हुए लगभग 50 मीटर तक घसीटा, जिससे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्घटना करने के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक युवक एक निजी कंपनी में सेल्समैन का काम करता था और उसी से उसके परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। हादसे की खबर लगते ही आसपास के लोगों के साथ साथ परिवार वाले मौके पर पहुंचकर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाराणसी शक्ति नगर पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मैं अभी शक्ति नगर से जब आ रहा था, उसी समय मोटरसाइकिल वाला किनारे से जा रहा था और ट्रेलर वाले के गलती मेरे आंखों के सामने यह दुर्घटना हुई। और यह दुर्घटना का मुख्य कारण दो लोग हैं। पहला तो लेंको पावर अनपरा है, जो अपने वारफाल पे जाने के समय जाम लगाता है, जिससे लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाने लगते हैं। और दूसरी गलती यहाँ पे गावर कंपनी जो सड़क बना रही है, उसकी गलती है कि जब तुम्हारे यहाँ डाइवर्सन सही नहीं बना है तो कम से कम ट्रैफिक का उपयोग करो, लाल झंडी रख के आदमी रखो, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप का मामला 5 माह बाद सामने आया है। जब लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच के बाद बताया कि लड़की 5 माह के गर्भ से है। बेटी की गर्भवती होने की जानकारी के बाद परिजनों के होश उड़ गए और न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचे। जब जाकर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद बलात्कार का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 5 माह पहले लड़की अपने घर से निकलकर सड़क की तरफ टहलने गई थी, तभी 4 युवकों ने सुनसान जगह देखकर उसे पकड़ लिया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने लड़की से दुष्कर्म के बाद उसे इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताने को कहा और उसे जान से मार देने की धमकी दी। धमकी की बात सुनकर लड़की डर गई और इस बारे में किसी से कोई भी चर्चा नहीं की। पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। निचलौल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है, इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है। और ये बताया गया कि लड़की 5 माह की प्रेग्नेंट है और जब गांव वालों को घर वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने एक तहरीर थाने पर दी है, जिसमें मुकदमा कायम हो गया है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में NH2 पर स्विफ्ट डिजायर और सुपर स्प्लेंडर गाड़ी आमने सामने से टकरा गई। फिरोजाबाद के NH2 पर एक बाइक सवार शिकोहाबाद की तरफ जा रहा था, तभी अचानक एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी क्रॉस करते समय पुलिस लाइन के सामने आपस में टकरा गई, जिससे बाइक सवार व्यक्ति के सिर में काफी चोट आने से बेहोशी की हालत में सड़क पर गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर थाना मरसेना पुलिस भी पहुंची और व्यक्ति को जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। यार 4 पहिया की गाड़ी थी, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, आमने सामने से एक्सीडेंट हुआ। मरसेना की गाड़ी आई, पुलिस थाने से उनको हॉस्पिटल ले गई है। उसके कितनी चोट आई थी? लगभग उसके सिर में ज़्यादा चोट है और वो बोल नहीं पा रहा था। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा में नाबालिग बालिका को अश्लील वीडियो क्लिप भेजने के मामले में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी व पॉस्को लगवाने को लेकर पीड़ित के पिता ने SSP और तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है। थाना शकरौली क्षेत्र के एक गांव का है मामला।
पीड़िता के पिता द्वारा दिए गए एसएसपी कार्यालय और तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 15 जून को नाबालिग बालिका के मोबाइल पर आरोपी ने क्लिप कर मैसेज भेजा था। इस सप्ताह पूर्व 18 जून को थाना शकरौली पर पिता ने एक सप्ताह पूर्व 18 जून को थाना शकरौली पर पिता ने कराई थी आरोपी गौरव प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। साथ मेरी लड़की के फेसबुक मैसेंजर पर गौरव प्रताप पुत्र मुकेश रहने वाला गांव झिमरा थाना चंपा जिला हाथरस का है, उसकी ननिहाल मेरे गांव में है। कौन सा गांव? वो है का गंदे गंदे फेसबुक मैसेंजर पर फोटो डालता है। इसकी कार्रवाई मैंने 18 तारीख को थाने सकरौली में की थी। तेरी एफआईआर करा दी थी? अभी तक साहब कोई न्याय नहीं मिला है। एफआईआर करा दी थी आपने? हाँ जी। कौन सी तारीख में? किस तारीख में? 18 तारीख को साहब। फिर वो अभी तक पिछली 18 तारीख से यू है का 25 तारीख होगी साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। और मैं न्याय चाहता हूँ साहब। और कल है का मेरी लड़की मैटिंग करने जा रही थी तो उन लोगों ने मारने की धमकी दी, वो कहते तुझे जान से मार देंगे या तुझे उठा ले जाएंगे। मेरे साथ मारपीट करी थी 8 तारीख को साहब, तो मेरे सिर में 14 टाकन आए, इसकी थाने में रिपोर्ट कराई थी। खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वाराणसी में किसानों का समर्थन भाजपा के साथ और भाजपा किसानों के साथ, केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। और जो किसान के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसानों के नाम पर नाटक कर दिया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली सबसे शक्तिशाली काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चमत्कार 2014 से लगातार दिखाई दे रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अभी देखना कहीं काशी में बैठ करके यहाँ हर हर महादेव करेंगे, कोई नमः शिवाय का जाप करेंगे, कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, या देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जाप करेंगे। मैंने कहा किसानों का समर्थन भाजपा के साथ है और भाजपा किसानों के साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, और जो किसान के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसानों के नाम पे नाटक कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अब मंदिर आ रही हैं, गंगा भी नहा रही हैं, क्या लगता है? यह तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली सबसे शक्तिशाली काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चमत्कार 2014 से लगातार दिखाई दे रहा है, अभी देखना ही पता नहीं कहीं कहीं आप काशी में बैठ करके यहाँ हर हर महादेव करेंगे, कोई नमः शिवाय का जाप करेंगे, कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। यहाँ आप देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की ताकत, ये मंदिर जाने वाले थे, ये कभी राम मंदिर की बात करने वाले थे, ये कभी हिंदू की बात करने वाले थे, कभी कश्मीर की बात करने वाले थे। अब ये सब एक दूसरे से बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ ये सब बरसाती मेढक की तरह जो काम करते हैं जनता उनको जानती है। बहुत बहुत खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा के अबागढ़ थाना के ग्राम रुद्रपुरा में दो सगी बहनों की बड़े नाले में पैर फिसलने से दोनों बहनों की दर्दनाक मौत हुई है। मृतक बच्चियों का नाम नीलू उम्र 12 वर्ष और सलोनी उम्र 15 वर्ष बताया जा रहा है। दो सगी बहनों की मौत से परिवार में मातम सा छा गया है। वहीं पुलिस ने मृतक बच्चियों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी ग्राम पंचायत का एक मजरा है, ग्राम पंचायत का रुद्रपुर जी, यहाँ पर एक नाला बहता है, बड़ा नाला है, इसी तरह से दो बच्चे फिसल गए। पानी का भाव ऊपर से काफी है। पानी में ये कहाँ से आ रहा है? ये पानी कहीं बम्बे से आ रहा है या बारिश का पानी है? ऊपर से आ रहा है, उड़ेरी की तरफ से बम्बा का पानी है। ये बम्बा का पानी गांव में आ रहा है। तो कोई खल्ली कटी हुई है क्या नाले की? हाँ, काफी खल्ली कटी हुई है ऊपर से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।